A uniform cylinder is allowed to roll down an inclined plane, making an angle 60 degrees from the vertical. It rolls without slip. Then its center will move with acceleration. देखो, अगर कोई भी एक बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी रोल करके किसी इंक्लिनेशन से नीचे आ रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप आई की जगह इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आपके पास सिलेंडर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाय टू, है ना? और साइन थीटा की जगह आप साइन 60 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा साइन 60 रूट 3 बाई 2 जी, और ये एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो रूट थ्री जी बाई थ्री बचेगा, रेशनलाइज करेंगे रूट 3 बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी बाई रूट 3 आंसर आ जाएगा। इसकी डेरिवेशन देखनी है तो मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ, देखिए कैसे आएगी इसकी डेरिवेशन। तो सबसे पहले, क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेशनल मोशन करेगा तो इसके लिए हमको एक फोर्स चाहिए होगा, तो वो फोर्स होएगा फ्रिक्शन फोर्स, जो इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम इसकी FBD बना लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, mg साइन थीटा लगेगा नीचे की तरफ, और इसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, AC मैंने मान लिया, राइट? तो नेट फोर्स यानी कि बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल f की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर ले जाओ, MAC को इधर ले आओ, तो हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस MAC और इक्वल्स टू f। अच्छा, एक और तरीका है, ये हमने इक्वेशन जो लिखी है ये हमने लीनियर या ट्रांजिशनल मोशन के लिए लिखी है, दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे रोटेशनल मोशन के लिए। रोटेशनल मोशन की इक्वेशन क्या आएगी, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। जैसे हम ट्रांजिशनल मोशन में लिखते हैं ना इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ही यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉर्क प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स अबाउट द सेंटर। तो ये इस स्फीयर को या सिलेंडर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। तो टॉर्क हो जाएगा FR इज इक्वल्स टू आई अल्फा, यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी आई अल्फा बाय R। ठीक है ना, ये F की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये F की वैल्यू हमने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। ठीक है ना, अब मेरे को पता है प्योर रोलिंग हो रही है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्योर रोलिंग के अंदर V इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है और A इक्वल्स टू अल्फा आर होता है। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, A अपॉन R। ठीक है ना, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी AC अपॉन R। ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे बन जाएगा IAC बाय R स्क्वायर। ठीक है, MAC को हमने इस साइड ले लिया, प्लस MAC हो जाएगा, MB साइन थीटा रह जाएगा, AC इन दोनों में से AC कॉमन बाहर ले लेंगे, अंदर रह जाएगा I बाय R स्क्वायर प्लस M, समझ में आ रहा है, राइट? अब इसको ले लेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में पूरे टर्म को, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल, फिर क्या करते हैं हम लोग, ऊपर भी m से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमिनेटर में m से डिवाइड कर दो कट जाएगा, डिनोमिनेटर में भी m से डिवाइड कर दो, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ नीचे रह जाएगा m r स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।